हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज का चीला। ये बहुत ही सरल तरीके से बनता है। आप इसको 5 मिनट में बना सकते हो। अगर आपको बच्चों को टिफ़िन में कुछ देना है तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। कभी कभी सुबह नाश्ते में टाइम नहीं मिलता है तो हम इसको झटपट जल्दी से बना सकते हैं और घर में मौजूद सामान से इसको तैयार कर सकते हैं। एक कटोरी आटा ले लेंगे और यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च, यहाँ पे एक बाउल में आटा ले लेंगे और इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। हरी मिर्च जो हमने बारीक काट रखी है और थोड़ा इसमें अजवाइन डालेंगे, ये पाचन में सही रहती है। और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और इसको अच्छे से विस्कर की मदद से फेंट लेंगे। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, अगर ये पतला हो जाएगा तो अच्छे से चीला नहीं बनेंगी। यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें तेल डाल देंगे, तेल गरम हो चुका है। इसमें हम बैटर को डाल देंगे। चीली को लो टू हाई फ्लेम में पकाना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इसको जल्दी जल्दी बना सकते हो। एक साइड से पक चुका है, अब इसको पलट देते हैं। देखिए एक साइड से पक चुका है, अब इसको करछी की मदद से दबाएंगे तो ये जल्दी पकेगा। अब इसको दूसरी साइड पलट देते हैं। देखिए ये चीला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। अब जो तेल बच रखा है उसी में हम बैटर को डालेंगे और दूसरा चीला भी तैयार करेंगे। आप इसको करछी की मदद से फैला सकते हो। ये बहुत ही झटपट बनता है, आप इसको सुबह नाश्ते में जल्दी से बना सकते हो। ये 5 मिनट में तैयार होता है। आप अपने बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपके बच्चे को प्याज पसंद नहीं है तो आप और सब्जी भी ऐड कर सकते हो इसमें। अब इसको पलट लेंगे और अच्छी तरीके से सेक लेंगे। हमारा दूसरा चीला भी तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देंगे, इसको हम निकाल लेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।